सिक्किम में लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। 2009 के चुनाव में क्षेत्रीय दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकसभा की एक और विधानसभा की सभी 32 सीटों पर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया था। सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है। खूबसूरत वादियों से घिरा सिक्किम पर्यटन के लिहाज से पूर्वोत्तर का सबसे मशहूर केंद्र। इसे पहाड़ का फूल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 1994 से 2009 तक के चार चुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ ने लगातार जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में एसडीएफ ने विधानसभा की सभी 32 सीटें और लोकसभा की एक सीट जीतकर विपक्ष का सफाया कर दिया था। एसडीएफ नेता पवन कुमार चामलिंग चार बार से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम गरीबी मुक्त राज्य होंगे, बेकारी मुक्त राज्य होंगे, साक्षर राज्य होंगे और ऑर्गेनिक स्टेट होंगे। ये सारी चीज हमारे कार्यक्रम में आने वाले दिन में, लेकिन इतना करते हुए भी कुछ ना कुछ कमियां और खामियां तो जरूर रहती हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1994 में विधानसभा की 32 में से 19 सीटें मिली थीं। 1999 में पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की। सन 2004 में ये आंकड़ा बढ़कर 31 और 2009 में 32 हो गया। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय दलों का सिक्किम की जनता से ज्यादा जुड़ाव नहीं हो पाता। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी एसडीएफ को चुनौती दे रही है। दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि राज्य में संगठन को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। सिक्किम का जब से इंडिया के साथ जुड़ने का घटना हुआ था, इन अ सेंस मर्जर जब से हुआ था, तभी से लेकर के आज तक राजनीतिक इतिहास आप देखिएगा तो यहाँ के जो लोकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एकदम ही रीजनल इन नेचर, उनका ही दबदबा रहा है। एसडीएफ को इस चुनाव में पार्टी के पूर्व नेता प्रेम सिंह गोले से चुनौती मिल रही है। लोकल पीपल हैव मोर सेंटीमेंट फॉर द लोकल पीपल, लोकल पार्टी, येट बट ग्रेजुअली नाउ द पीपल विल स्टार्ट चेंजिंग देयर माइंड। ये जितना पब्लिक है वो लोग सबको समझ में आ गया कि जितना भी रीजनल पार्टी लोग है वो लोग जीतकर एमपी लोग को भेजने से भी उधर जाकर दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार के साथ मिलना ही पड़ेगा। सिक्किम का जो फीलिंग्स है, यहाँ का जनता का फीलिंग है, वो रीजनल फीलिंग्स है और कोई भी यहाँ जितना भी राष्ट्र दल है उनका ऑर्गेनाइजर ठीक नहीं है। स्थानीय लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। पवन कुमार चामलिंग अगर इस बार भी जीत हासिल करते हैं तो वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। पिछले 20 सालों से पवन कुमार चामलिंग सिक्किम में अपराजय हैं। इस बार भी चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस से उन्हें कोई चुनौती नहीं मिल रही है, लेकिन चामलिंग के ही पुराने वफादार अपनी नई पार्टी के साथ उनके सामने चुनाव मैदान में हैं और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गैंगटॉक। तो चलिए सिक्किम को थोड़ा और करीब से जानने के लिए सीधे चलते हैं दार्जिलिंग, जहां हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी मौजूद हैं। प्रणव, सिक्किम के राजनीतिक समीकरण किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, क्या चाहती है वहां की जनता? जी देखिए, हालांकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का एक छत्र राज है लगातार काफी सालों से, लेकिन इस बार ये माना जाना चाहिए कि सिक्किम में जिस तरह से नर बहादुर जो मुख्यमंत्री थे उनकी जो सत्ता है उसको जो पवन कुमार चामलिंग ने उन्होंने नई पार्टी खोलकर उनकी सत्ता को एक तरह से खत्म कर दिया, लेकिन इसी तरह की चुनौती 20 साल के बाद एक बार फिर से जो पवन कुमार चामलिंग के ही जो पुराने वफादार हैं प्रेम सिंह गोले, उन्होंने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बनाया है और बीजेपी कांग्रेस तो नहीं लेकिन हाँ क्षेत्रीय दल के तौर पर जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो कहीं ना कहीं चुनौती